निकलते तो सोया और आज जग गया। हाँ। मैंने जागना शुरू किया, जागने का स्पर्श मिला उसको कि कुछ और भी है, मैंने हिस नॉट लाइफ, इसके बाद भी कुछ है, ये उसके कॉन्शियस में ये अपने आप आने लगेगा जब स्पर्श मिलेगा। किसका? यानी जो झमझोरा यानी गुरु का स्पर्श मिलता है, जैसे घड़ी अपने उस दिन हमको बोले कि घड़ी का बैटरी खत्म हो गया बोलते, घड़ी का सारा सिस्टम है लेकिन बैटरी अगर नहीं रहेगा तो पूरा बंद हो जाता है, लेकिन एक बैटरी लगते साथ सारा सिस्टम काम करने लग जाता है, सब कांटा काम करने लग जाता है, सेकंड कांटा, मिनट कांटा, आवर कांटा, यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से दो का स्पर्श से तीन का काम होता है, बैटरी जहां लगता है तो नेगेटिव पॉजिटिव दो है ना, दो का स्पर्श होता है और काम तीन का होता है, जब एक सर्किट पूरा होता है, अंडरस्टैंड? मैं देख पाया ना, ये थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक हो गया बात, लेकिन जरूरी नहीं कि अभी आप जो पूछ रहे हो आपके जैसे जवाब हो, ठीक है ना, आप निमित बने हो लेकिन और किसी का आंसर हो रहा है, लेकिन लॉजिक में प्रूफ कर दिएगा तो ये वाला प्रूफ को तो देख पाओगे कि प्रैक्टिकल में अभी देखा जा रहा है कि दो में नेगेटिव पॉजिटिव में लगा और दो में ये हुआ और है ना, मैं और तू का जब संगम होता है तो तीन का काम होता है, मैं, मेरा और तू, और तीन होते साथ एक वचन दो वचन है, लेकिन तीन होते साथ बहुवचन में बदल जाता है, वो फिर अनंत मैंने बहुत के लिए काम करने लग जाता है, वो कहता कुछ नहीं है लेकिन होता है, और जिसको अनुभव होता है, अब जिसको घड़ी देखना मालूम है वो एक सेकंड को भी देखेगा तो ठीक वो टाइम को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो नहीं समझ सकेगा ना। अभी कई लोग घड़ी देखते हैं, दो कांटा को ही ज्यादा महत्व देते हैं, तीसरा कांटा का किसी को महत्व नहीं मालूम है, बात समझ में आ रहा? मतलब जैसा कि बड़ा कांटा और छोटा कांटा, ये दो कांटा को ही ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन तीसरा कांटा भी उसमें चल रहा है और बड़ी मजे की बात है, बड़ी स्पीड से चल रहा है वो, और वो जो देख रहा है वो तीसरे कांटे के ग्रुप में है, वो धावती में है, और एक मध्यम चलती में, एक ना चलती में, धावती चलती ना चलती, एक नहीं चलने जैसा है लेकिन वो पूरा करता है अवर को, नहीं चलने वाला ही को लेकर के अवर पूरा होता है, नहीं चलने वाला कहीं ठीक, वो 12 में नहीं पहुंचाएगा, 12 मैंने वहां 3 है, जो हम लोग 12 देख रहे हैं वो कितना है, कितना नंबर है, अंक गणित के हिसाब से 12 नहीं है वो, कितना है, 2 और 3, 2 और 1 3 है, और यहां भी वो 3 का ही है, 3 से 3 का मिलन होता है, अब अपना अनुभव से हम बोल रहे हैं, लेकिन अभी जुड़नी की एट प्रेजेंट ये बात को तुम आंसर माने हो जाएगा, लेकिन जब साउंड ऑफ वाइब्रेशन से दिमाग तक बात चला गया तो एक दिन दिल में उतर जाएगा वो, अभी दिल में मैंने दिमाग तक बात किया करी तो दिमाग से दिल में उतरने में टाइम लगता है, मेरे बात समझ में, क्योंकि जानने का जो प्रयत्न है वो हमेशा आपके ओर रहता है, कोई भी चीज जानना आपके ओर है, ठीक है ना, और एक्सेप्ट करना मैंने स्वीकार करना वो हृदय की ओर है, और संदेह करना नाभि की ओर है, नाभि हृदय और मस्तिष्क, ठीक है, संदेह, ठीक है, संदेह माने कुछ भी करने पर संदेह आ जाएगा, जुड़नी को वो जो कह रहा है एक पूरे से कोई कह रहा है तो हम उसको कितना भी सुनेंगे पूरे में नहीं सुन सकते ना, ठीक है, क्योंकि पूरा भी हुआ नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है मतलब, हाँ, तो अधूरे से भी अगर सुने तो उसका जो गुणधर्म क्या है पूरे का, यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो वो ठीक अपने आप को सने ठीक है धीरे धीरे वो पूरे की ओर ले जाएगा, हमारी बात पकड़ में आ रहा है मतलब, इसके लिए कभी भी नहीं सोचने का है कि, ऐसे कभी नहीं सोचना है कि वो जो जाने हम भी जान लें,
जानने का एक धाम एक एक एक, एक निश्चय रहना है ना, लेकिन अभी तुरंत संभव हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि अंदर का कार्य अलग होता है, बुद्धि अलग ढंग से सोचता है, हृदय अलग ढंग से सोचता है ना, विचार अलग ढंग से सोचता है, कभी विचार से आदमी सोचने लग जाता है तो ज्यादा चंचल हो जाता है, कभी बुद्धि से सोचता है तो ज्यादा माने तर्क वाला हो जाता है, कभी हृदय से सोचता है तो बोलता है कि ठीक है हम सब्र करेंगे, सब्र माने इंतजार करेंगे। ये गाछ को बीजा डालते साथ ही हर चीज उसका देखो बीजा एक्ट होता है, पहले तो खाद में होता है, वो खाद में खाद किसको बोला जाता है यानी वहां कचरा, कचरे से खाद बनता है मालूम है ना, वहां पर वो बीज पड़ता है, अब बीज पड़ते साथ ही उससे अंकुर निकलता है ना, पहले जड़ है फिर धड़ है फिर शाखाएं हैं, ठीक है ना, फिर फूल है फिर फल है, कितना उसका डिवीजन देख रहे हो, क्या बोलते उसका जो कितना इजीली एक ब्रिज के अंदर रस खुल जा रहा है देखो, क्योंकि जहां भी जो जो उस तत्व को जान लेता है वो हर हर चीज में उसको जो, लेकिन ऐसा जो हम अभी बोल रहे हैं वो अपने ढंग अपने समय में ऐसा नहीं बोले, क्योंकि समय समय का फर्क है, वो नित्य नूतन होता जाता है। ये कैसा अनुभव है, कैसा अनुभव है, क्या समझे, तो पुरातन का रिपीट नहीं रहेगा उसके पास। अभी एक वृक्ष के अंदर में कितना सुंदर हो गया ना, देखो बीज है ना, फिर मूल वहां है, फिर उसका क्या बोलते हैं हाँ, धड़ है, जड़ है, धड़ है, फिर डाले हैं, शाखाएं हैं, ठीक है ना, शाखा है, और तो अभी हम शाखा बोल रहे हैं लेकिन कई लोग उसको डाल बोलते हैं, शाखा पर शाखा नहीं, कई डाल है, फिर फूल है, फिर परिणाम में फल है, फिर फल में बीज है, यू अंडरस्टैंड, तो एक बीज फलित हुआ और उससे कई, जैसे एक आम का गुठली ये से गाछ बना, लेकिन बहुत सा जब आम में बहुत बहुत लगता माने वो डालों में बहुत सा आम फला, तो एक बीज से कितना बीज बन गया, और वो आम को वो सब आम का अगर माने यूज करने के बाद में वो तो यूजलेस हो जाता है ना, उसका बीज को कोई नहीं खाता मालूम है, उसको फेंक देता है जहां तहां फेंक देता है, फिर उसमें एक अंकुर आ जाएगा, वो कहीं भी अपने आप जुगाड़ फेंका भी ऐसे संजोग जाएगा, क्या समझे, जैसे हम लोग होते हैं ना कचरा का एक जगह बनाते हैं, तो ऐसे संजोग होता है कि और खोजने वाला ठीक उसको खोज लेगा, वहां से उठा लेगा, उठा करके कोई जगह में सुरक्षित जगह में उसको फिर लगा दे, फिर वहां एक गाछ हो जाएगा, तो एक से अनेक हो गया, ठीक है ना, वही जात का एक मैंने वही ये था अनेक में हो गया। अच्छा मामूली एक छोटा सा भाषा में बात हो रहा है ना, श्लोक नहीं, दोहा नहीं, चौपाई नहीं, एक गांव का देहात का आदमी भी इसको पकड़ लेके बात समझ लेगा ना, मैंने सरल से सरल भाषा इतना सहज होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए कोई चीज सहज हो जाता है उसका भाषा भी बहुत, बात समझ आए मतलब, हाँ उसको बहुत सहज, उसके लिए जो सहज हो जाता है उसका भाषा भी सहज हो जाता है, और सहजता से जो बात समझ आ जाए वो टेढ़ा टेढ़ा, अब संस्कृत के श्लोक अगर हम में बोले तो उतरेगा नहीं ना, मेरी बात पकड़ना मतलब, लेकिन अभी जो भाषा में बोले इसको मामूली कोई ऑर्डिनरी भी कोई बैठा होगा तो उसको भी, यानी कोई भी वंचित नहीं होना है, सब उसमें जुड़ जाना है, मैंने सबको स्वीकार है, सब उस अनुभव के लिए सभी क्या बोलते हैं सभी सभी को एक दिन संभव होना है। ये वाला बात गीता का हमको बहुत अच्छा लगता है, संभवामी युगे युगे, हर युग में हम संभव होते हैं और हर युग में ये संभव, जैसा हम हर युग में एक होकर के अनेक बार संभव होते हैं, इसी तरह अनेक में ये संभव होगा, क्योंकि अनेक में संभव होने का इसमें संभावना है, आप पकड़ना है देखो, एक सिर्फ संभव में तीन भाषा हो गया, एक को हम बहुत हम ये एक बहुत जुग जुग में संभव होते हैं, तो एक अगर बहुत बार संभव होता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत में संभव संभव होने का संभावना है,
ये संभावना बढ़ जाता है। भाषा पकड़ना है क्योंकि इसको दूसरे ये में नहीं, दूसरे शैली में नहीं बोल सक रहे हम, पकड़ में। अगर संभव है तो सबको संभावना है। दुर्लभ की धारणा एक है ना, दुर्लभ 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 बोल करके एक ब्लॉक हो जाता है। दुर्लभ बोलते साथ ना हम लोग क्या सोचते हैं, आदमी उससे माइंड डाइवर्ट कर लेता है, वो रास्ते से उसके लिए वो द्वार बंद हो जाता है। दुर्लभ तुम्हारी दुर्लभ दुर्लभ की धारणा एक है ना मेरा वाणी। हाँ, दुर्लभ मतलब ब्लॉक हो जाना। तो आध्यात्मिक काम भी हो रहा है और दरवाजे भी बंद करके रखा गया है, तो उसका कोई मोल नहीं है ना। ओपन द डोर है माने दरवाजा खुला रहना, कि अगर वो तैयार हो गया तो निकल जाए। यू अंडरस्टैंड? इसलिए वो सुलभ है, संभव है। और जैसा भाषा होगा वैसा प्रभाव पड़ता है। हर एक को एक हिम्मत आ जाएगा, ओहो, यानी कि हमारे प्रेजेंट में भी वो संभव है। मैंने सिर्फ उनके लिए ही नहीं, सबके लिए संभव है। तो एक तो और एक सीमित जो अनुभव है वो असीम के लिए जब चिंता करता है तो उसका सुख उसको धीरे धीरे मिलने लगता है। ठीक है, उससे धीरे धीरे उसको ये अनुभव होने लगता है कि मैंने हमारे द्वंद के अंदर भी कहीं निर्द्वंद का एक सुख समाता है। अगर समाता है तो एक दिन समा जाएगा और हम भी निर्द्वंद हो जाएंगे। मेरी बात समझे? मतलब हाँ, निर्द्वंद निर्विचार लभ्यते मोक्ष है। अभी विचार चल रहा है, द्वंद चल रहा है, वो अपने अंदर चल रहा है, हम देख रहे हैं। अगर हम उसको बोलेंगे भी तो तुम उसको मैंने बाहर में एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन अंदर चल रहा है, बोल के ना यहां बात निकल रहा है। अरे कुछ प्रसंग चल रहा है अंदर, तभी ना बातें हो रही है, तुम्हारे नजर में नजर मिला के बात कर रहे हैं। समझ रहा मतलब? लेकिन तुमको निमित्त बनाए हैं, एक से दो में बात जाता है और उससे तीसरा, माने तीसरा बोल के नहीं है, फिर वहां बहु में आ जाता है। ठीक है ना, ऐसा है। यू अंडरस्टैंड? वो दसों दिशा में फैलता है। यू अंडरस्टैंड? जब दो मिलता है तो दस हो जाता है। अंडरस्टैंड? और दिशा दस है, कितना है, कितना है? दसों दिशा में फैलता है। और बीच में जब भी हम चुप हो जाते हैं तो जो अदृश्य में कई तरंगे हैं वो कभी कभी अपना बीच में बादल घेरता है, वो बीच में आ जाते हैं। आ जाते हैं तो अगर हमको बोलना और आपको सुनना अभी नहीं है, इसलिए बोलना बंद हो जाता है। तो तड़ाते हैं हम, तब कभी तो तड़ाते हैं ना, मैंने एक ही बात को बोलना चाहते हैं तो तड़ाने लगते हैं। वो ऐसा है जैसा एक तो अदृश्य ही आ गया, क्योंकि कई तरंगे चल रहे हैं ना, और मेजोरिटी किसका है, वाइब्रेशन का मेजोरिटी ज्यादा है। तो तरंगे वाइब्रेशन का तरंगे 24 घंटा चारों तरफ चलते रहते हैं, उस वाइब्रेशन में साइलेंस में साइलेंस माने साइलेंस से संपर्क होना है, क्योंकि वाइब्रेशन का पूरा मेजोरिटी है। मेजोरिटी मेरा समझे मतलब? धावती धावती ज्यादा है, ना चलती वेरी रियर है। बात समझ में आ रहा मतलब? अब ये और किसी को आंसर हो गया, ये वाला जो भाषा बोले। हाँ, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसा हर बात आपको ही बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं क्या? हाँ, कभी कभी निमित्त। हाँ, एक जैसा गीता कई बार बड़ा अच्छा लगता है, निमित्त मात्र भव सर्वसाची, ये सबके लिए तुम निमित्त हो सर्वसाची। अर्जुन को बोल रहे हैं, जो अर्जुन करो तीसरा अर्जुन सा कृष्ण है कृष्ण, कहां से बातें हैं तेरा? अरे हम तो सोचे थे कि बोलना, अब हमको नहीं हो पा रहा। ये बात तो समझ में आ रहा है मतलब? हाँ, अभी कृष्ण कृष्ण बोला ना, हमको कृष्ण ज्यादा अच्छा लगता है। अभी वही कृष्ण के पास ये करने जा रहे हो तो अभी से ओपन द डोर हो रहा है। ठीक है, वो कहते साथ भी वो अदृश्य में जो कह दिए वो कब जुड़ना जाएंगे होगा और होना शुरू हो जाना, वो कृपा है, होना शुरू हो गया और जाएंगे होंगे,
भाषा में मतलब कभी तीसरे सीढ़ी में, लेकिन पहला सीढ़ी ओपन है, लाइट है, उसका रिफ्लेक्शन है और जहां पड़ रहा है वहां भी है, तो जहां पड़ रहा है वो जगह पर हो अभी तो, लेकिन पड़ रहा है तो कुछ है बोल के ना पड़ रहा है, तो पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ है, तो शुभ है। मैंने ये जो है अभी साइंटिफिक एग्जांपल हो गया, देख रहा है। अच्छा, उनके शैली में कहीं ऐसा नहीं है, देखोगे कहीं पर ऑडियो वीडियो में है ऐसा, कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हरेक समय में ना, हरेक का भाषा, कृष्ण के समय में अपना भाषा था, उनका अपना भाषा है, बुद्ध के समय में उनका अपना भाषा था, सबका अपना अपना है। वो क्योंकि हमेशा वो नूतन है, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि जो भी वो है अति पुरातन, लेकिन सबके लिए जब भी जो चीज जानते हो लगता है ना कि आज नया हमने सुना, अच्छा अभी जो सुने ये कैसा लगा, नित्य नूतन। अच्छा जब जब सुनते हो तो नया सुनते हो, ये कैसा हो जाता है, वो एक ही को इतने में कैसे जोड़ दे रहे हैं, और बड़ी मजे से वो उसमें जो हम संदेह करने मांग रहे हैं वो संदेह को जगह ही नहीं मिल रहा है, या हम जो तर्क करने मांग रहे हैं उसको जगह ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना क्लियर है। अब यहाँ लाइट जल रहा है, इसको तुम कैसे बोलोगे नहीं हम नहीं मानते ट्यूल, अभी कोई बात है जल रहा है, उसके रश्मि आ रहे हैं और तुम पर पड़ रहा है, और बड़ी मजे की बात है पड़ रहा है, ठीक है। तुम उसको देखो या ना देखो, उसका रोशनी को तो दिख रहा है, अगर रोशनी दिख गया, अगर रोशनी दिख गया तो फिर मंजिल पास है, ठीक है, तो ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा जाओ मिल लो, मिल के आओगे तो फिर दूसरे पैराग्राफ शुरू होगा, मेरे पास नहीं मतलब, हाँ मिल के आने का मतलब समझे, रिचार्ज होके आना, वो सब रिचार्ज होने का ये है। जब कुछ भी डाउन हो जाता है बोर्ड है ना, रिचार्ज का, उसी तरह वो सब रिचार्ज, जो भी सेंटर है रिलीजियस सेंटर सब, वो सब वहां पर जाकर के आदमी रिचार्ज होता है। ये अपना सही हुआ बोलने का, अभी एकांत में धीरे धीरे तरंगे शांत होते चले जाते हैं ना, क्योंकि हर कोई कोई सपने की दुनिया में चला गया, क्या समझे मेरे बात समझ में आ रहा, मतलब कोलाहल नहीं है आज, एक भी कुत्ता नहीं भोगा, यू अंडरस्टैंड, जबकि उनको जन्मजात आदत है, ये टाइम में उन लोग का शुरू हो जाता है। अगर ये यही बात हम करने के टाइम में वो सब तरंगे उसमें मिले तो इसका जो प्योरिटी है, लेकिन उस प्रकृति का ऐसा मैंने ऑटोमेटिक हो रहा है। हम लोग ऐसा तो कुत्ता को हम लोग अभी समझाने तो नहीं गए, लेकिन देख लो लंबा टाइम से एकदम कैसे वातावरण कहते हैं ना, ये सबको फील करना है, कितना डिस्टर्बेंस वातावरण है जगह का, उधर शादी का पटाखा कभी फूटते रहता है तो कोई मशीन का आवाज, कभी गुर गर, अभी क्या है तो सारे वाइब्रेशन के अंदर भी कहीं साइलेंस है, जिसका मतलब वाइब्रेशन के अंदर साइलेंस अपने आप कोई जगह में स्थिर है, वो साइलेंस से अपने वाइब्रेशन में रह करके साइलेंस से कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, वो भी थ्री पिन प्लग के जैसा, मैं मेरा तू, ठीक है, और जैसे थ्री पिन प्लग लगता है तो क्या होता है, जो डिस्चार्ज हो, ठीक है, मेरे बात पकड़ ना, मतलब मैं मेरा को लेकर के तू से मिलने जा रहा है, ये थ्री पिन प्लग है, और वो पावर हाउस है, पावर हाउस मैंने अनंत समय में अदृश्य में कोई भी टेम्पल है, अगर वहां पर अनुप्राणित किया हुआ कोई लंबा मूर्ति है या धाम है तो सिर्फ ऐसे फिजिकल बॉडी से ही उसमें लोग नहीं जाते हैं, जितने भी जो ग्रेट हुए हैं, लेकिन जरूरी को लोग डिक्लेयर किए होंगे, वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग जाते हैं, वो जब चाहे अधिक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और मूर्ति में प्रवेश करके फिर उसको रिचार्ज करके फिर आए, लेकिन अतियुक्ति हो जाएगा, अतियुक्ति मतलब समझे, अतियुक्ति बात समझे ना मतलब, वो मैंने वो हमेशा अनुप्राणित होते रहता है, जब जो पीरियड रहता है, जो पीरियड में जो भी ग्रेट आते हैं वो गुप्त में रहते हैं, और गुप्त में रह करके वो तीन शरीर उनका रहता है, स्थूल में कहे रहते हैं, सूक्ष्म में विचरण करते हैं और कारण में जाकर के उसमें प्रवेश कर जाते हैं, फिर कारण से सूक्ष्म और स्थूल में, समझ मतलब मैंने प्रकाश
प्रकाशित होते हैं, अरूप से स्वरूप, स्वरूप से साकार, एक है ना मेरा साकार में। तो वहां पर लोग रिचार्ज होने के लिए जाए, साइंटिफिक एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी साइंस पर तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो ना साइंस के ऊपर में ये करने के लिए, तो इस हिसाब से मैंने संदेह नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में प्रूफ कर रहे हैं, संदेह नहीं कर पाओगे, कैसे संदेह करोगे? ये अभी हम बोलेंगे ट्यूबलाइट जल रहा है तो ये तो नहीं बोल सकते, इसको लेकर तर्क नहीं कर सकते तुम कि नहीं नहीं जल नहीं रहा है। और अगर बाय फोर्स भी करे तो कॉन्शियस बोलेगा कि नहीं जल रहा है, किरण पड़ रहा है, समझे मतलब? हाँ, हम मुखातिब नहीं है उससे, मैंने अभी हम डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उसका रोशनी हम पर पड़ रहा है, पड़ रहा है तो उसका काम हमारे पर हो रहा है, उसका काम 24 घंटा हमारे पर होता है, हमारे पर का मतलब समझे, यानी हर एक के ऊपर बोल रहे हैं, हमारे मतलब कभी तुमरे विभाग में चले जाते वहां पर जाकर के बोलते हमारे पर हो रहा है, हमारे मतलब वो हमारा, वो हमारा, उनका हमारे पर मैंने जो भी है उन पर होता है, और उसकी कृपा अगर हमारे पर हो रहा है तो एक दिन हमारे हम भी उनसे मुखातिब हो जाएंगे, मुखातिब मतलब एक दिन कितना दिन मुख रहते हम रहेंगे, और हमारे पलक झपकते हैं और उसके पलक 24 घंटे ये उसका प्रतीक है, जगन्नाथ सब नहीं समझ सकते हैं, बड़ी अद्भुत है। देखो बाकी जितने भी है सबका पलक है लेकिन इनका पलक नहीं है, पलक मतलब समझे, ये जो 24 ओपन दाई, इसे प्रूफ हो रहा है कि 24 घंटा वो हमारे पर नजर रखा है, हम चाहे जैसा भी करें, और हमको फ्रीडम दिया है, क्या समझे, मुक्त रखेगा, और हम जब हमको अगर वो मुक्त रखेगा तो हम अपने ढंग से परिपक्व होते होते उसके और युक्त होंगे ना, और अगर हमको बांध दिया वो तो फिर तो हम बंधन में रह जाएंगे ना, बंधन माने बर्डन, इसीलिए ऊपर मुक्त रखा है, लेकिन 24 घंटा उसका लुक हम लोग हमारे ऊपर है, प्रकृति से और पुरुष से दोनों से, मैंने प्रकृतिगत फिजिकल में भी जैसा हम देख सके उसका एक प्रतीकात्मक बनाया गया है ये जो लुक है। और बड़ी मजे की बात है, देखो आंख का जो डार्क है, डार्क है और फिर उसमें वो जो डार्क है उसके ऊपर में व्हाइट है, वहां का प्रतीक है, उसी तरह वो जो है हमको अभी जो डार्क दिख रहा है वो एक्चुअली डार्क नहीं, अगर वो वहां पर वहां डार्क दिखाया गया लेकिन लाइफ आंख में आएगा तो वहां पर लाइट है, लाइट है और उसके बाद व्हाइट है, और उसके बाद में लाइट व्हाइट का अनुभव हो जाएगा तो ब्राइट ब्राइट का अनुभव हो जाएगा, या ब्रॉड का अनुभव हो, दो है ब्राइट एंड ब्रॉड का, ब्रॉड मतलब समझे सबका अनुभव हो जाएगा, सब हमारे और हम सबके, हम सब में समाया हुआ, सब हमने समाया हुआ है, ये अनुभव हो जाना है। लेकिन ये बात को फिर हम बोल रहे हैं कि ये नहीं सोच रहे हैं कि खाली आपसे आपके लिए बोल रहे हैं, कईयों को जा रहा है, कोई निमित्त बनता है, एक से दो हुआ कि फिर वो क्या मैं तीन वचन नहीं होता है, कितना एक वचन है ना, कितना एक से दो नहीं, एक से दो तो दो वचन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद और तीसरे में जो काम हो रहा है, तो हम अपने ढंग से दो में रह करके हम अभी भी दो है तो वहां भी द्वंद है, ठीक है ना, द्वंद है बोल के दो है, दो माने हम है और वो है, ठीक है, हाँ इसलिए दो है, और हम और वो मिट जाएगा तो दो मिट जाएगा, क्या समझे, ठीक है, लेकिन ये मिटाने का चीज नहीं, अपने मिट जाए, हर एक चीज का अपना एक तो पीरियड है, ठीक है ना, एक तो गाछ हुआ है तो उसका एक तो पीरियड है, फूल लगने का, फल लगने का, फिर फल पकने का, फिर पक के एक तोड़ने का और एक अपने, लेकिन तोड़ना भी अधूरा है, जब टपके तब पूरा है, रस में हो जाता है,
उसका जो असली जो परिपूर्णता आ गई, परिपूर्ण होने से अपने आप उसका जो है अपने आप गाच उसको छोड़ दिया। किसी तरह संसार की वृक्ष में हम लोग एक ही तो फल लगे हुए, कोई अधूरा है और जो भी जहां पका वो तबका, ठीक है ना, और उससे लोग रसपान किए, ठीक है ना, लेकिन रसपान करके भी उसका फिर भी उसका बीज रह जाता है, पूरा कभी नहीं। कितना ब्यूटीफुल है हम, इसलिए एक तो सुख और आम ऐसा संस्कृत उर्दू में भी बोला जाते, आम बड़ी सुंदर बात है, आम तो एक फल का भी नाम है और बात बात में भी बोला जाता, ये तो आम बात है, तभी भी वही सब ये जो शब्द रंग होते हैं इसको हाँ आकार में उस माँ को एक्सेप्ट कर लेना, और है और में आकार लगा हुआ है और फिर तीसरे में माँ है, आकार में साकार में एक्सेप्ट हम कर रहे हैं क्योंकि वो माँ का अनुभूति होना है, वो आम है, इसलिए आम बात, इसलिए आम रसों में आता है। और बड़ी मजे की बात है, आम का आम गुठली का दामे को बड़ी सुंदर वाणी है, ये सब पकड़ों का भाषा है, ऐसे तो आदमी कोई भी भाषा मिल जाता है और एक बोल करके दूसरे को मजा मिल रहा है तो उसको यूज करने लग जाता है, लेकिन उसको मीनिंग नहीं मालूम। इसको कई लोग यूज किए होंगे, क्या बोले हम अभी, आम आम काम गुठली का दाम, जबकि गुठली का ज्यादा दाम होना चाहिए क्योंकि उससे फिर कई एक गुठली को अगर लगा दिया जाए तो सहस्त्र आम फिर होगा, फिर सहस्त्र गुठली होंगे, फिर सहस्त्र का मतलब इसी से प्रमाण होता है कि एक अगर संभव हो गया है तो इसका मतलब संभावना अवश्यम भावी है, सबको संभव होना संभावना है, एक अगर पक्की गिरा है तो हरेक को पक्की गिरना है, और रसों में होकर के सबको रास पान कराते हुए क्या समझे, फिर मिट्टी को एक्सेप्ट कर करके, और बड़ी मजे की बात है फिर मिट्टी और एक्सेप्ट करके फिर एक वृक्ष हो जाना है, उतना सहज हो जाता है कि फिर मिट्टी को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर बीज मिट्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसमें अंकुर नहीं लगेगा, देखा ना, कभी कभी देखो कहीं गुठली पड़ा रहता है धीरे से, वो आधा गुठली ऐसा पड़ा हुआ है किनारे से एक अंकुर निकल गया है, जिनका होश है उस ठीक हो जगह से लेगा उसको ठिकाने पर लगा देगा, उसका अपना प्रकृति का वो प्रेरणा है, वो प्रेरणा से अपने आप वो ठिकाने से होगा, मैंने ठिकाने से होगा जिस गुठली को जहाँ पर पल्लवित होना है, मैंने क्या थोड़ा शुद्ध हिंदी आ जा रहा है, अब किसके लिए कौन सा बात जा रहा है, ये पल्लवी तो लवी संपू तो नहीं आता लेकिन आ जा रहा है बहुत आ रहा है। और बड़ी मजे की बात है कि जब ये बात कर रहे हैं तो चार मेंबर ही अभी हम लोग इन्वॉल्व हैं इसमें प्रेजेंट में, दो उनको अभी साउंड स्लिप होगा, वो भी जरूरी है, ठीक है ना, वो वंचित नहीं है लेकिन उनको भी साउंड स्लिप, दिन भर तो संपर्क में थे ना, लेकिन ये मुहूर्त के लिए वो साउंड स्लिप में चले गए, बात कर रहा हूँ, चार दिन अभी है और देख हर एक का मोमेंट अलग अलग है, वो अपने ढंग से है, ठीक है ना, इसको मतलब है कि हर एक तरह से संभव है, गुठली चाहे कैसे भी गिरे मट्टी में अपने आप अंकुर एक तो निकलेगा उसका, ठीक है ना, कोई भी जगह में गिर जाए थोड़ा सा गीलापन हो तो उसमें अंकुर निकलेगा, और नजर जिसका पड़ गया आपको खुद याद है कि कहीं पर अंकुर वाला मिलने से हम लोग का तो छोटा क्वार्टर था, वो तो छोटा सा जगह में ही ला करके उसको लगा देते थे, और छोटा सा गाछ होगा तो बड़ी खुश हो जाते थे, छोटा सा गाछ होगा उसमें खुश हो जाता आम का गाछ है, जबकि वो जब फैलेगा तो बड़ी अजीब है, कब संपर्क कट जाता है कब जुड़ जाता है, यू अंडरस्टैंड, संपर्क कटता है मतलब कि कहीं पर मन डोल गया, अभी हम बोल रहे हैं अंदर कहीं और चले गए तो चुप हो जाएंगे, लेकिन उतना फास्ट हो जाता है कि तुमको लगता है कि एकदम
लुक में हमारी तरफ ऐसा कोई जरूरी है कि हमको देख रहे हो सही भी हमने हमारी बात सुन रहे हो और कुछ चल रहा है ना बीच बीच में चलता है कि नहीं। अब इसको मेरा कल मत समझो कि कैसे आप जान गए क्या होने से जुड़ा रहता है अपने अपने पास रहता है उसको बायफोर्स में नहीं किया जा सकता है ना। लादो लादो वाला चीज नहीं है फ्रीडम है एक ना फ्रीडम ये फ्रीडम फाइटिंग है फाइटर है वो अगर किसी को कोई फ्री रखे शुरू से ही उसको अगर फ्री फ्रीडम दे तभी ना फ्रीडम का रियलाइज फ्रीडम का जीवन उस फ्रीडम का जो मौज है उसको ले लेकर के वो फुलफिल के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा इसलिए उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। तुम जैसे हो जो हो मंजूर हो ये बात हम बाबू को जाते हैं ये बात अभी किसी को नहीं उतरेगा कोई जरूरी नहीं कि जब जो बात बोला गया मेरे बात का है मतलब तभी उसका उसको लोग समझ लेंगे लेकिन लेकिन वो बात व्यर्थ नहीं जाएगा अस्तित्व में वो अपना ठीक है ना ऐसा है जैसा कि अदृश्य में एक बीजा उड़ रहा है वो देखेगा कहीं ना कहीं ठीक जगह पर देखेगा वो गिरेगा और फिर उसका परिणाम आ जाएगा। क्या हम बोल रहे थे बड़ी तो क्या बोले क्या ये बहुत बड़ा बहुत आखिरी बात है जैसे भी हो जो भी यानी किसी को भी हीन स्थान नहीं दिया गया यानी सबको क्या समझे मैंने किसी को ये नहीं दिया गया क्या बोलते मैंने तुम जो हो जैसे हो मंजूर हो ठीक है ना जो हो जैसे हो यानी जो जो भी कर रहा है वो उसका जो अंदर है वो वोमेंट हो रहा है उसका इसलिए उसको करने दो जैसे शराब पी रहा है एक आदमी ठीक है ना लेकिन फिर भी वो संपर्क में है मेरे पास कितने लोग संपर्क में है लेकिन वो बाहर जाके शराब पीते बर्बाद करना है मतलब उनको आदत है वो तो उसको रोकने का नहीं है वो एक दिन अपने आप छूट जाएगा मेरे पास समय मतलब क्योंकि क्षणिक नशा क्या है शाश्वत नशा के लिए क्षणिक नशा एक दिन खत्म हो जाएगा। कोई भी शराब हमेशा नहीं चढ़ा रहता है ना कितना बड़ा भी शराब हो दुनिया का वो हमेशा चढ़ा हुआ नहीं रहता है एक टाइम आता है वो उतर जाता है मेरे पास समय मतलब वो उतरता है तो फिर उसको नशा का जरूरत होता है तो वो नशा का जो अनुभव है हालांकि इसके लिए कोई शराब नहीं पीना शुरू कर दे एक उदाहरण दे रहे हो या और किसी को बोले यानी हो सकता है और कोई बहके तो उसको होशियारी कर रहे कि ऐसा नहीं कि तुम शराब पियो लेकिन वो जो नशा का उतरते ही फिर वो नशा में होना मांगता है वो तो नशा के लिए दूसरा शब्द पात्र में भाव प्रसाद है ना यहाँ पर शब्द अदृश्य है लेकिन शब्द उच्चारण हो रहा है कि नहीं शब्द दृश्य हो रहा है ना आंख नहीं देख रहा लेकिन कान भी देखता है सुन कान देखता है आंख सुनता है ठीक है बात समझ में मतलब और हाव भाव बोलता है भाषा ही नहीं बोलता हाव भाव भी बोलता है हाव भाव नहीं बोलता तो बोलना कई तरह का है देखना कई तरह का है सुनना कई तरह का है अब ये कई तरह का बोले तो ये सीमा को गया कि असीम को गया कई तरह मतलब तो लग रहा है कि व्यक्तिगत आपसे बात कर रहे हैं लेकिन नहीं ठीक है वो कईयों में समझ आ रहा है तो इसलिए जो जैसा है मंजूर है का मतलब ओपन द डोर है उसके लिए ये एक उसको रिलीफ नहीं है एक दरवाजा बंद रहना और एक खुला रहना बहुत फर्क है कि नहीं बंद होते साथ एक धारणा बन जाता है कि हमारे लिए दरवाजा बंद है और ओपन होता है तो यानी खुला है तो जहां खुलापन हम देखते हैं तो हम भी अंदर से खुल जाते हैं जहां भी खुलापन देखते हैं हम लोग तो हम भी अंदर से खुल जाते हैं लेकिन बड़ी मजे की बात कि बहुत बड़ा घर होता है लेकिन उसमें दरवाजा एक छोटा सा रहता है इसी तरह बहुत बड़ा घर है ये ठीक है ना बहुत बड़ा घर है पिंड में ब्रह्मांड है लेकिन इसमें छोटा सा दरवाजा है ठीक है
दरवाजे से ही पढ़ना होता है और इनका चेसा तबादला था वो हॉल रूम में पहुंचते हैं, ठीक है, फिर वहां वो एक गुंजन होता है जो हॉल में जैसा होता है ना, कोई हॉल में ओ करो ओ ओ ओ ऐसे तीन बार होता है, तो जो तीन बार है वो तीन तरंगे हैं, ओवर मीडियम एंड ओवर वाइब्रेशन, मीडियम वाइब्रेशन एंड साइलेंस, जिसको हम प्रणव नाद कहते हैं। अभी और किसी के लिए चला गया, जरूरी नहीं कि हम आपको इसके जरिए कोई प्रणव नाद के ऊपर में किसी का जो जिज्ञासा था वो आज का इस पीरियड में पूरा हुआ, वो उसको लेकर कहीं मगन हो जाएगा या तो सपने में देखेगा हम उसको बोल रहे हैं वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि और वो जरूरी नहीं कि वो लौकिक संपर्क में आएगा, सबके पास तो ये नहीं है ना, अरे जो लोग के पास है उन लोग का तो मैसेज आ जा रहा है, लेकिन जिन लोग के पास में नहीं है तो ऐसे अनंत के पास में हो रहा है, किसका किसका सुनेगा, और कई लोग होके उसको एंजॉय करते हैं और जानते हैं कि संपर्क बना हुआ है तो उसको डिस्क्राइब भी नहीं करते, और कई लोग मस्ती में आके डिस्क्राइब कर देते हैं, दो तरह के लोग होते हैं क्या समझे, कई लोग उसको ग्रहण करके एंजॉय करते हैं, कई लोग मस्ती में आकर के ओपन कर देते हैं, अपना अपना पात्रता है, माध्यम है तो अभी सबको तो इसका माध्यम नहीं मालूम नहीं है, मान लो कोई गरीब आदमी है, मान लो कि कोई ऐसा है, ऐसे भी नहीं है, कई अमीर है, कई बहुत बड़ा विधानी है, तो कोई जरूरी नहीं कोई इसको यूज करता हो, कोई इससे कोई जरूरत भी नहीं है उसका, जो तरंग है वो तो अस्तित्व में फैल रहा है ना, अपने आप को छूते जाएगा और हर कणों में कणों के जरिए हमको ये करेगा, तो सब अपना अपना देखो शुरू हो गया, देखो साइलेंस था ना तो वाइब्रेशन शुरू हो गया, देखा हाँ, लेकिन वो सब सबको अलाउ है क्योंकि वो भी अपनी जगह जरूरी है, क्योंकि अगर वाइब्रेशन नहीं रहे तो साइलेंस को हम लोग इंजॉय कैसे करेंगे, वो साइलेंस हो जाता है तो सब लोगों को लगता है तो कुछ हुआ बोल के ना हम लोग इंजॉय किए कि साइलेंस भी कुछ चीज है, तो वो भी कर रहा है तो वो भी अपनी जगह ठीक है, ऐसा उसको मैंने ये भी नहीं करना है, हम लोग करने भी नहीं जा रहे हैं इसको, ठीक है अपना जगह वो कर रहा है ठीक है, तो प्रकृति का नियम वो सब चलते रहेगा, ये तो ऐसी है ना हमेशा ऐसी चलते रहेगा, लेकिन सब में शामिल रहना, स्वीकृति बना रहना, स्वीकृति शुद्ध हिंदी आ जा रहा है क्या बोलते हैं स्वीकृति, हमको स्वीकृति बना रहना, स्वीकार का मतलब है ओपन, ओपन जरूर है, अगर हमको हृदय से स्वीकार है, बाहर से जचाने का दरकार नहीं कि हम स्वीकार करते हैं, कभी कोई बोलता ना हमको मानते हैं, वो क्षणिक भी हो सकता है, एक तो माहौल बना है, एक तो मूड बना हुआ है, हमारे बात से कुछ हमारे भाव से कुछ भाव सब जुड़ गया तो उस पीरियड के लिए आ गया मानते हैं, लेकिन सुनते हैं लेकिन जब जानते नहीं हो तो हो सकता है कि वहां भी जाना नहीं हो, हम नहीं जान रहे हैं तो हो सकता है वो भी नहीं जानते हो, होता है ना जैसा आदमी सोचते हैं, मानना जानना होना बहुत फर्क है ना, जानने से होता नहीं, अभी बहुत सी बात सुन के जान लिए, बहुत सी बात तो ग्रंथों से शास्त्रों से व्याख्याओं से ऑडियो वीडियो सीरीज के जरिए बहुत बात लोग जाने, लेकिन जानना और होना बहुत अलग बात है, लेकिन जानने तक का भी अगर बात आ गई तो जानना पॉजिटिव थिंकिंग में चला जाता है, नहीं जानना से ना से हाँ हो जाना, एक सीढ़ी एक भी सीढ़ी अगर चढ़ना सीख लिया, एक सीढ़ी को भी अगर स्टेप ले लिया तो उसको मालूम है कि ऐसी स्टेप टू स्टेप अनंत सीढ़ी से मंजिल मिल जाता है, और एक जगह सीढ़ी खत्म हो जाता है और वहां मंदिर शुरू हो जाता है, लेकिन पहला जो है कदम पहला सीढ़ी में रखना पड़ता है, तो भी क्या कम है, इसलिए उसके लिए भी उतने वेलकम है, ठीक है, मैंने उसको भी एक श्योर किया जा रहा है उतना भी जो चुनके वो भी कम नहीं,
अब कभी भी कोई कोई भी नशा कर रहा है तो वही नशा के लिए, उसका जो मूल में असली नशा वही है, लेकिन वो नहीं मिलने के कारण वो आर्टिफिशियल यूज कर रहा है. यू अंडरस्टैंड? भजन भी तो एक नशा है, सत्संग भी एक नशा, ये सभी नशा है. नशा करना और नशे में डूब जाना क्या समझे, बहुत फर्क है. नशे में होश में आना, नशा करना नशे में डूब जाना, नशा करना नशा में बह जाना, ठीक है. नशा करके बहकना भी चांस है, क्योंकि बहुत कुछ जान गए तब हम, अभी जानना तो हुआ नहीं लेकिन जानने की बात सुन करके और ये महसूस होने लगे कि हम तो अब जान गए हैं, अब हम सबको जानने वाली बात सुनेंगे, तो ये वह नशा करके बहक जाना, और एक है नशा करके मगन हो जाना, और एक है नशा में खो जाना, ठीक है. बैठना डाउन लाइन है, बैठे तो डिटच हो गए और मगन हो गए तो लगन लग गया, क्या समझे, लगन लग गया तो माने अंतर्मुख हो गए, इधर बहिर्मुख है, ऐसा है ना, बाहर. और ये कछुआ है ना, बड़ी सुंदर कछुआ आया बोल के बोला, तो हम भी सुन दिए उस मोमेंट में, वो बात को बिल्कुल अनसुना कर दिए नहीं, लेकिन कछुआ का प्रतीक क्या है मालूम है, कछुआ क्या करता है मालूम है, अपना सारे अंगों को ना अपने अंदर समेट लेता है, खाली एक तो गोल ये रह जाता है. कछुआ के जो चार पांव है वो ऐसा समेट लेगा कि तुमको लगेगा जैसे एक गोल्ड तरह का एक तो पावरोटी नहीं आता है, बंद एक तो पावरोटी आता है ना, वैसा कर लेता है. कछुआ जो प्रतीक है सारे इंद्रियों को समेट लेना, और बड़ी मजे की बात है, उसका जो है चार, ये चार और ये मुंडी बाहर निकले, ये पांचों इंद्रियों को समेट लेना, कर्म से समेट करके ज्ञान में स्थिर होकर के अप्रेम में मगन हो जाना. लेकिन बड़ी मजे की बात है, वो कछुआ रहता है कहाँ, दलदल में, मैंने पानी में रहता है, लिक्विड में रहता है, लिक्विड में समझ जाओ, सॉलिड में नहीं रहता है, किस में रहता है, सॉलिड ईगो का प्रतीक है, लिक्विड समर्पण का प्रतीक है. तो कछुआ को, कछुआ किनारे में खड़ा था और जैसे वीडियो में हमारे लिए तो पानी में कूद गए, तो उसको हम इंजॉय किए, जो हम इंजॉय किए वो बाकी लोग उसको दूसरे तरह से सोचा है कि क्या समझे, वो सोचा है तो कछुआ कहाँ से आ गया या कोई लाके, वो प्रकृति ठीक सेटअप कर रहा है, ठीक है मेरे पास, हाँ. और जहां वो हो गया तो मूल में अगर ये पांचों इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय, ये दसों इंद्रियां जब समित जाता है, केंद्रीभूत हो जाता है, तो नीचे कीचड़ रहता है और ऊपर कमल खिल जाता है, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है, फिर वही तीन कॉन्टेक्ट आ गए. तो बड़ी सुंदर है वो कछुआ पानी में आना, ये किसी पर घटा, ये जो घटना, वो कछुआ जो, क्योंकि वो जो संकल्प में बना है, वो जो पानी संकल्प किया गया है वो सब अनुप्राणित किया गया है, और कछुआ जो है वो पंचकर्म इंद्रियों और पंच ज्ञान इंद्रियों को लेकर के वो जैसे जाएगा और फिर उसमें वो तैरेगा, फिर वहां ओपन होगा. अज्ञानता से कूदता है लेकिन ऊंचाई से नीचे क्यों, सॉलिड से लिक्विड में जाता है और लिक्विड में जा करके, ठीक है, और फिर ओपन होता है और वहां पर और दसों दिशा का इंजॉय करता है. वो जो वहां वो कछुआ कर रहा है, अब ये अब वो कछुआ के रूप में कौन डिवोटी आया है वो नहीं, अब अति उक्ति हो जाएगा, वही आ सकता है प्रेम कुल में, वही इन कर सकता है, और उससे कई लोग प्रेरणा पाएंगे, ठीक है. कीचड़ जल कछुआ और कमल, कीचड़ जल कछुआ और कमल, ठीक है, ठीक है. कीचड़ जल खाता जल में
कछुआ अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है, मालूम है? अभी जाओगे ना पूरी में, ये झलक देखने को मिलेगा। अगर ट्रांसपेरेंट वाटर रहेगा, जब भी उसको कोई छू दे या तो उसको कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो अपने को ऐसा कर लेता है, केंद्रीभूत कर लेता है। इसी तरह अपने सारे इंद्रियों को जो समेट ले, बाह्यमुख से अंतर्मुख कर ले, तो कठोरता से लिक्विड का अनुभव होता है। कठोर में प्रयत्न है, एक जगह चलना है और एक जगह तैरना है, बहुत डिफरेंस है, चलना तैरना, ठीक है ना? धीरे धीरे ऑटोमेटिक, बोलना नहीं पड़ेगा, बोल के हर काम नहीं होता है, जरूरी नहीं कि बात में हर बात होता है, साइलेंस में भी बहुत काम होता है, साइलेंस में तो ज्यादा होता है, साइलेंस में ऐसा समझो कि सम मिलियन उसको अनलिमिटेड है, साइलेंस अनलिमिटेड है। बोलना तो बहुत बहुत लिमिट में आ जाता है, बोलना ऐसा है कि जैसे कुछ वाटर जो है एक तो कटोरी में दिया गया, एक तो लोटे में दिया गया, सुनना अनुभव किया कि इसमें वाटर है और ये वाटर ऐसे वाटर में मिल सकता है, अगर नदी में ये डाल दिया जाए तो ये नदी का पानी हो जाता है और समुद्र में डाल दिया जाए तो तीन स्टेज आ गया, लोटे का पानी, घट का पानी, धारा में डाल दिया जाए और ठीक है ना। ऐसे भी कई जगह है कि क्षणिक धारा पकड़ता है, धारा जाके अनंत में जाकर मिल जाता है, प्रकृति में क्रिया चलता रहता है, जैसे बड़ा बड़ा नदी है वो सब समुद्र में जाकर मिलता है, और वो हमेशा वेलकम करते रहता है।